नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक युवक गया जेल, वह जीवित। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में है भर्ती। ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में खबर चलने के बाद परिजन को मिली जानकारी आ रहे हैं। मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के नौदा थाना क्षेत्र के सन्यासी डांगा गाँव का है। खबर विस्तार से, खबर ये है कि निजामुद्दीन है जिंदा, जबकि इन्हीं की हत्या के आरोप में अजीजुल शेख गया जेल, जमानत में हुआ रिहा। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के नौदा थाना क्षेत्र के सन्यासी डांगा गांव के निजामुद्दीन शेख और अजीजुल शेख काम करने के लिए चेन्नई गए। वहां पर कुछ माह कार्य करने के बाद दोनों अपना गाँव लौटने के लिए ट्रेन में सवार हुए। दोनों ही संतरागाछी स्टेशन में उतरे, जैसे कि लोग बता रहे हैं। फिर दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे। इसी क्रम में निजामुद्दीन कहीं गुम हो गया। इसके बाद अजीजुल ने काफी खोजबीन किया, फिर दूसरे दिन अपने गांव चल दिया। गांव में भी देखा कि निजामुद्दीन घर नहीं पहुंचा है। फिर पूरे मामले की जानकारी निजामुद्दीन के परिजनों को दिया, पर निजामुद्दीन के परिजन अजीजुल पर उल्टा आरोप लगा दिए कि तुमने ही निजामुद्दीन को गायब करवा दिया है। फिर ये मामला नौदा थाना पहुंचा, थाने में शिकायत दर्ज की गई। जैसे कि अजीजुल के भाई ने बताया कि अजीजुल को पुलिस काफी टॉर्चर किया, उसके बाद कोर्ट चालान कर दिया, जहां से उसको जमानत पर छुड़ाया गया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर मिला था निजामुद्दीन। पूर्व वार्ड पार्षद सह समाज सेवी दिनेश जेना ने पहुंचाया था अस्पताल। निजामुद्दीन चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक जगह बैठा था, ठीक से बोलने भी नहीं सकता था। किसी ने पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश जेना को खबर किया और फिर दिनेश जेना ने अनुमंडल अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में खबर चला तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी जानकारी मिली। इस कार्य में अस्पताल के आउटसोर्सिंग सुपरवाइजर का भी सहयोग रहा और आज उनके परिजन चक्रधरपुर आ रहे हैं।